आ गया समझ में। चलो ये कहता है फिगर सो इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ ए प्लेनेट ऑफ मास अराउंड द सन। अगर ठीक है एक प्लेनेट है जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चल रहा है, ठीक है शेडेड एरिया, दो एरिया आपके पास है, एक सी 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 कहाँ गया यार, एस सी डी एंड ट्वाइस एरिया एस ए बी, दो दो एरिया आपको दिखाया गया है। टी वन इज द टाइम मूव टू प्लेनेट सी से डी तक, मतलब ये एरिया स्वीप करने में, ये एरिया स्वीप करने में, ये एरिया कवर करने में प्लेनेट को टाइम टी वन लगा, और ये एरिया कवर करने में टाइम टी टू लगा, और ये एरिया अगर ये एरिया ए है तो ये एरिया टू ए है, डबल है इसका, ये एरिया अगर ए है तो ये जो एरिया है वो टू ए है क्वेश्चन के कंडीशन से। तो टी वन टी टू में रिलेशन निकालना है। आपको पता होगा केपलर थर्ड लॉ पढ़े होंगे कि जब प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में, केपलर का लॉ है सेकेंड लॉ, ठीक है जब प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में चलता है तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। एरियल वेलोसिटी क्या होता है, एरिया स्वीप पर यूनिट टाइम रिमेंस कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी दैट इज डी ए ओवर डी टी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एरिया स्वीप कांस्टेंट होता है। ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि अगर एरिया स्वीप कांस्टेंट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ए वन बाई टी वन इज इक्वल टू ए टू बाई टी टू इज इक्वल टू ए थ्री बाई टी थ्री, आप कितना भी लगा लो दैट इज ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, क्योंकि एरियल वेलोसिटी क्या होता है, कॉन्स्टेंट रहता है। तो एरिया स्वीप आउट कॉन्स्टेंट रहता है, मतलब अगर कितना भी आप ले लो, देखो यहाँ से यहाँ तक टाइम टी वन लगा एरिया ए हुआ, ठीक है यहाँ से यहाँ तक टाइम कुछ लगा हो गया एरिया स्वीप ए हुआ, तो इन चारों के लिए एरियल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है तो ये केपलर सेकेंड लॉ होता है कि एरियल वेलोसिटी इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर है तो दोनों में टाइम सेम लगा होगा यार। ठीक है तो अब एरियल वेलोसिटी रिमेंस कॉन्स्टेंट, अब इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है दो दो एरिया के लिए लगाते हैं, पहले वाले की एरिया ए है, ठीक है पहले वाले के लिए एरिया ए है और इसमें टाइम टी टू लगा, दूसरे वाले के लिए एरिया ए टू ए है इसमें टाइम टी वन लगा, इसका मतलब टी वन इज इक्वल टू टू टी टू। ठीक है ना तो T1 इज इक्वल टू टू टी टू। ठीक है जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो वहाँ दो छोटे